हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग एवरीडे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रॉबर्ट ब्रिजेस। आज के हमारे इंपॉर्टेंट राइटर है रॉबर्ट ब्रिजेस, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे एंड इनके फेमस वर्क्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज के हमारे राइटर रॉबर्ट ब्रिजेस, इनका बर्थ हुआ 23 अक्टूबर 1844 इंग्लैंड में एंड इनकी डेथ हुई 21 अप्रैल 1930 इंग्लैंड में। एंड ये क्या थे, एक इंग्लिश पोइट थे। He was born at Walmer in Kent of a well-to-do country family. In 1854, he went to Eton and from there to Oxford in 1863. He began as a medical student at St. Bartholomew Hospital, London in 1869. And वहाँ से इन्होंने proceed किया to his MB in 1874 में। वहाँ से उन्होंने क्या proceed किया, अपनी MB proceed की 1874 में। And was for 3 years a practicing physician in London Hospital and उन्होंने 3 years तक 1881 तक उन्होंने प्रैक्टिस की फिजिशियन की लंदन हॉस्पिटल में। ही वॉज अनसक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर द ऑक्सफोर्ड चेयर ऑफ पोइट्री इन 1895। ही वॉज मेड पोइट लॉरिएट इन 1930 एंड इन द सेम ईयर हेल्प टू फाउंड द सोसाइटी फॉर प्योर इंग्लिश। एंड इनको पोइट लॉरिएट का जो टाइटल है, जो उपाधि है, वो कब मिली, 1913 में। एंड इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी 1929 में पब्लिश हुआ एंड ये इनका मास्टर पीस कहा जाता है इसे। एंड इसी वर्क के लिए काफ़ी फेमस है, द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी के लिए ये इनका मास्टरपीस है। एंड इसमें 14 लाइंस हैं एंड ये क्या है, एक लॉन्ग फिलोसफिकल पोएम है। एंड नेक्स्ट वर्क इनका द ग्रोथ ऑफ लव 1876 में पब्लिश हुआ एंड इसके सीक्वेंस आए 1889 में एंड 1898 में। ये जो हैं वो है अ सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स। ये क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स एंड 24, 79 एंड 69 जो सोनेट्स हैं उनका सीक्वेंस है ये। एंड नेक्स्ट वर्क है इनका प्रोमिथस द फायर गिवर, ये पब्लिश हुआ 1883 में। एंड ये क्या है, एक मास्क है इन द ग्रीक मैनर। एक ग्रीक मैनर में ये क्या है, मास्क है ग्रीक मैनर में। एंड नेक्स्ट वर्क है इनके इरोज एंड साइकी 1885 में पब्लिश हुआ एंड ये एक नरेटिव पोयम है। इन 12 मेजर्स अ स्टोरी फ्रॉम द लेटिन ऑफ एपुलीज। नेक्स्ट वर्क है इनका द फीस्ट ऑफ बैक्यूस 1889 में पब्लिश हुआ, पेलिसियो 1890 में पब्लिश हुआ। एंड नेक्स्ट वर्क इनका द क्रिश्चियन कैप्टिव्स 1890 में पब्लिश हुआ। एंड नेक्स्ट वर्क इनका द रिटर्न ऑफ यूलेसिस 1890 में पब्लिश हुआ। एंड नीरो पार्ट वन एंड सेकंड इनके पब्लिश हुए 1885 एंड 1894 में। एंड इनके कुछ प्रोज वर्क हैं, लिटरेरी सप्लीमेंट, सैमसन एगोनिस्ट एंड हाइपरियन, ये इनके कुछ क्या थे, प्रोज वर्क थे। एंड इसके रॉबर्ट ब्रिजेस के कुछ की पॉइंट्स हैं, हिज पोएम रिफ्लेक्ट अ डीप क्रिश्चियन फेथ एंड ही इज़ द ऑथर ऑफ मैनी वेल नोन हिम्स। ये क्या हैं, जो इनकी पोएम्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं डीप क्रिश्चियन फेथ को एंड ही इज़ द ऑथर ऑफ मैनी वेल नोन हिम्स। ये बहुत सारे हिम्स के क्या हैं, ऑथर हैं, वेल नोन ऑथर। एंड इंग्लिश पोइट नोटेड फॉर हिज टेक्निकल मास्टरी ऑफ पैरोसोडी एंड फॉर हिज स्पॉन्सरशिप ऑफ द पोइट्री ऑफ हिज फ्रेंड जीरार्ड मैनले हॉपकिंस। ये थी फ्रेंड्स हमारे आज की क्लास रॉबर्ट ब्रिजेस के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।